मैं अपने दोस्त मार्टिन के साथ सनराइज शराब की दुकान के बाहर खड़ा था। हम एक अनजान अजनबी को हमारे लिए बियर खरीदने के लिए मनाने में असफल होने से थक गए थे। तभी एक आदमी शराब की दुकान के पीछे की गली से हमारे पास आया। उसने कच्छा सूट पहना हुआ था, उसके बाल सुनहरे रंग के थे और उसके मुंह में एक टूथपिक था। लगता है तुम लड़कों को कुछ परेशानी हो रही है। उसकी आवाज किसी तरह से एक साथ कर्कश और सॉफ्ट थी, जैसे दो लोग एक साथ बात कर रहे हों। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। क्या कोई मौका है जो आप कर सकते हैं? मुझे इसे करने में खुशी होगी। मैं एक बच्चा होने की कल्पना कर सकता हूँ जो बस कुछ मजे करना चाहता है। तुम क्या लेना चाहते हो? बस एक किंग फिशर की बॉटल। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। मैंने पैसे निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। नहीं, मैं जब तुम्हारा सामान लेकर आऊं तब तुम इसे देना। तुम चाहे तो मुझे पैसे नहीं भी दे सकते हो। मैं अभी वापस आता हूं। वो आदमी शराब की दुकान में गया। मार्टिन ने टिप्पणी की कि उस आदमी में कुछ अजीब बात थी। वो बाहरी तौर पर धमकी या कुछ और नहीं दे रहा था, चाहे वो उनके व्यक्तित्व में हो या रूप में। वो लगभग बहुत ही अच्छा था, लेकिन विकृत तरीके से भी नहीं। इसे समझाना मुश्किल है। कुछ मिनटों बाद वो आदमी बियर लेकर वापस आया। मैंने उसे एक कास्ट देते हुए कहा, बहुत बहुत थैंक्स यार, आई रियली अप्रिशिएट। मुझे नहीं पता कि तुमने खुद को स्थिति में कैसे डाला। क्या तुम्हारे पास कोई नकली आईडी नहीं है? खैर, उसके लिए मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। जब तुम्हें एक साथ पैसे मिल जाए तो मेरे नंबर पर टिक कर देना। तुम मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा। और मैंने वैसा ही किया। मुझे बताया कि जो उसने मुझे नकली आंख दी थी उसकी कीमत $300 होगी। मेरी तस्वीर का उपयोग करो और काम करो। यदि किसी स्टोर कर्मचारी ने इसे स्कैन किया, इसके अलावा जब तक मुझे फाइनल प्रोडक्ट देने का मौका नहीं मिलता तब तक मैं कोई पैसे नहीं देने वाला। मेरे पास थोड़े पैसे बच गए थे और बाकी मैंने के मार्ट में अपनी छोटी सी पार्ट टाइम जॉब से प्राप्त की दो चेक्स से जुटाए थे। मैंने इस बात पर विचार करके खरीदारी को तर्कसंगत बनाया कि मैं अपने स्कूल के लिए प्रभाव ढंग से शराब का मेन डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकता हूँ और अपने पैसे वापस पा सकता हूँ। हमारी पहली मुलाकात के एक हफ्ते बाद मैंने इस व्यक्ति को सभी आवश्यक विवरण के साथ मैसेज भेजा। उसने मुझे फाइनल प्रोडक्ट के लिए 2 दिन बाद मिलने को कहा। मैं उस शाम उसी शराब की दुकान के पास खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी वो लाल टी शर्ट और जीन्स पहने हुए गली से आता हुआ दिखाई दिया। फिर भी आखिरकार मुझे सबसे वैध नकली आईडी सौंपी गई जो मैंने कभी देखी थी। आईडी पर मेरा नाम फ्रैंको मिलार था और दूसरी तरफ एड्रेस था उस शहर का जहां मैं रहता था। इसमें सभी आवश्यक होलोग्राम और अन्य सुरक्षा सुविधाएं थीं और ये बिल्कुल सही क्रम में लगा हुआ था। इसे एक बार अच्छे से चेक करो, अगर ये ठीक है तो तुम मुझे पैसे दे सकते हो, अगर नहीं तो तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो खरीदूंगा और एक नया करियर ढूंढने पर काम करूंगा जिसमें मैं अच्छा हूँ। मैं सहमत हो गया, लेकिन जैसे ही मैं दुकान जाने के लिए मुड़ा उसने मुझे रोक दिया। बच्चे, तुम्हारा फोन। अरे हाँ, मैंने उसे अपना फोन सौंपा, प्रार्थना और एक नकली आईडी के साथ सनराइज शराब पीकर चला गया और कीस्टोन का 30 पैक लेकर वहां से बाहर चला गया। मैं उस आदमी के पास से लौटा जो गली में एक अच्छी मुस्कान के साथ खड़ा था। सब ठीक है? हाँ यार, इसने पूरी तरह से काम किया, थैंक्स, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। मैंने बियर नीचे रख दी और पैसे का आधा हिस्सा अपनी पिछली जेब में रख लिया। प्रत्येक मोजे में खोद कर निकाल लिया और उसे दे दिया। सॉरी अगर इन पैसों में से पसीने की बदबू आ रही है, तो मुझे ये बहुत ध्यान से करना पड़ा इसलिए। इसकी गंध ऐसे हो सकती है जैसे कुत्ते की गंदगी, लेकिन फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। बदबूदार पैसों की भी वैल्यू होती है ना? वो मुस्कुराया और मेरा फोन वापस दे दिया। एक पल के लिए ओडी टिप्पणी से हदसो सहित हो गया। ठीक है, अगर तुम्हारे किसी दोस्त को नकली आईडी की जरूरत पड़ी तो तुम जानते हो कि तुम किसे कॉल करोगे। हाँ, मैं बता दूंगा। एक बार फिर से थैंक्स। अपने नए जीवन को एंजॉय करो लड़के। जाने के लिए मुड़ने से पहले ये आखिरी बात थी जो उसने मुझसे कही थी। ठीक उसी क्षण कुछ घटित हुआ। मैं ये नहीं बता सकता था कि ये क्या था। मुझे शारीरिक रूप से अजीब महसूस हुआ,
जैसे ही वो आदमी चला गया, मैंने उसे बुलाया और कहा कि मुझे उसका नाम कभी नहीं मिला। मुझे जवाब देने के बजाय उसने पीछे मुड़कर देखा और एक डरावनी मुस्कान निकाली और फिर चला गया। मैंने लाक्षणिक रूप से अपने कंधे उचकाए, अपनी बियर उठाई और मार्टिन के घर की ओर जाने लगा। क्योंकि मैं उसके घर पर रोज जाता था, मुझे मेरी चाबी दी गई थी और घर में रहने की अनुमति तब दी गई थी जब मार्टिन या कोई भी उस दिन घर पर नहीं होता था। हालांकि जैसे ही मैं उसकी गली की ओर मुड़ा, मैंने मार्टिन की माँ की कार को सड़क पर बैठे देखा। मैं सामने के दरवाजे से गुजरा और हॉलवे से होते हुए किचन में चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने किचन में एंटर किया, मार्टिन की माँ ने मुझे पलट कर देखा। वो मुस्कान जिसके साथ वो मेरा स्वागत करती थी, वो अब डर और गुस्से में बदल गई। ओह माय गॉड, प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाओ, जो चाहे ले लो। क्या? मार्टिन की माँ ने अपनी आंखें मुझ पर केंद्रित रखी जबकि उनका दाहिना हाथ उनके पीछे काउंटर टॉप को पार कर रहा था, जबकि मैं सदमे में वहाँ खड़ा था, पूरी तरह से अनिश्चित था कि क्या हो रहा था। तभी उनके हाथ एक चाकू लग गया, उन्होंने कांपते हुए उसे अपने सामने रख लिया। मिसेस स्मिथ, आप क्या कर रही हैं? चले जाओ। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरे हाथ से बियर का बॉक्स नीचे गिर गया। मैं पुलिस को बुला रही हूँ, तुम और करीब मत आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। हे भगवान, क्या ठीक है। मैंने बियर फर्श पर गिरा दी और अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं सड़क से कुछ ब्लॉक दूर अपने घर की ओर तेजी से आगे बढ़ा, मैंने अपना फोन निकाला और मार्टिन को फोन किया। हेलो यार, तुम्हारी माँ तो मुझ पर पागल हो गई है, उन्होंने मुझे चाकू दिखाया और तुम्हारे घर से बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर की खामोशी थी। तुम कौन हो? क्या तुम्हारा क्या मतलब है, ये कौन है? मैं जेम्स हूँ, तुम्हारी माँ ने मुझे चाकू दिखाया। तुमने गलत नंबर डायल किया है दोस्त, चल कट ले यहाँ से, पागल आदमी, मार्टिन ने कहा। फिर उसने फोन रख दिया। इस पॉइंट पर मैं बहुत हैरान रह गया था। थोड़ी देर के लिए चलने के बाद मैंने पाया कि मैं अपने सामने वाले दरवाजे तक पहुंच रहा हूँ। मैंने उस घर में प्रवेश किया जिसमें मैं अपने जन्म के बाद से रह रहा था। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया और मार्टिन के वापस कॉल करने का इंतजार करने लगा। अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला एक लड़का अंदर आया। वो मेरा हमशक्ल था, सिवाय इसके कि उसके मुंह में टूथपिक था। और जैसे ही हमारी नजरें मिले, उसने एक बुरी मुस्कान छोड़ दी। फिर उसने मुझे आंख मारी और चिल्लाने लगा, पापा पापा मदद करो। और दरवाजे की चौखट पर उसके माथे पर जोर से प्रहार किया जिससे तुरंत ही उसके घाव से खून बहने लगा और वो मेरे कमरे और हॉलवे के बीच फर्श पर गिर गया। आगे जो हुआ वो धुंधला था। मुझे याद है कि मेरे डैड डर के मारे चिल्ला रहे थे जब उन्होंने अपने बेटे को फर्श पर पड़ा हुआ देखा था और उसके चारों ओर खून का एक पूल बना हुआ था। मुझे याद है कि मेरे डैड के कदम हॉल से नीचे आ रहे थे, लेकिन मुझे उन्हें कमरे में आते हुए देखना याद नहीं है। हालांकि मुझे उनके लात और घूंसे सब याद हैं। मुझे याद है कि वो मुझे मेरे बेडरूम के फर्श पर तब तक पीटते रहे जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो गया। मुझे एम्बुलेंस याद है और मुझे हथकड़ी याद है जब मैं हर किसी को ये सच बताता था कि क्या हुआ था, कि कैसे मैं 16 साल की उम्र में शराब की दुकान में गया था और फिर 40 साल की उम्र के आदमी ने मुझे एक नकली आईडी बना के दी थी। और मुझे याद है कि हर कोई मुझे ऐसे दिख रहा था जैसे मैं कोई पागल हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उन्हें दोष देता हूँ। मुझे याद है कि मैंने शीशे में खुद को देखा था, मैं बिल्कुल 16 साल का था। लेकिन मैंने कई लोगों से मेरा वर्णन करने के लिए कहा और उनके दिए हुए डिटेल्स के अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल उसी आदमी की तरह लगता था जिसने मुझे फेक आईडी दिया था। मुझे याद है कि मैं इतना तंग और निराश हो गया था कि मैंने उल्टी कर दी थी। मुझे पूरी अदालती प्रक्रिया याद है जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे सजा का दिन याद है। मुझे एक खतरनाक आदमी के रूप में चित्रित किया गया था जिसने 16 साल के बच्चे पर हमला किया। हाँ, ये सब पागलपन भरा लगता है लेकिन ये सच है। मुझे नहीं पता कि उस आदमी ने मेरे साथ क्या किया, हम दोनों आपस में स्विच कैसे हो गए, लेकिन वो अब मेरी जिंदगी जी रहा है और मैं यहाँ इस जेल में सड़ रहा हूँ। ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कुछ बियर ने मेरी जिंदगी को उलट पुलट कर दिया। मैं एक हॉस्पिटल में मेल नर्स हूँ।
और आपको हर रात भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप यहाँ कभी ना आए। इस हॉस्पिटल का नाम होली क्रॉस हॉस्पिटल है। मेरा काम पेशेंट की देखभाल करना है, लेकिन दुनिया के हर दूसरे अस्पताल के विपरीत यहाँ पर पेशेंट्स की देखभाल को दूसरी प्रायोरिटी दी जाती है। होली क्रॉस में आत्मरक्षा सबसे पहले आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उन चीजों से नहीं निपटते जिनकी देखभाल एक नियमित अस्पताल करता है। हम मेंटल डिसेबिलिटीज वाले मरीजों का इलाज करते हैं जो किसी दर्दनाक घटना के बाद PTSD से पीड़ित हैं, और ह्यूमन ब्रेन की खराबी के कारण होने वाली सभी प्रकार की अजीब व्यवहार से पीड़ित हैं। एक टीनेजर ने अपने माता पिता के तलाक के कारण अपनी कलाई काटने की कोशिश की। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड की अचानक हुई मौत से उभरने की कोशिश कर रही है। घर में लगी गंभीर आग से बचाए गए पीड़ित, इस प्रकार के मामले थे जो सामने आए। लेकिन ये सभी मामले हमारे लिए नॉर्मल थे। मुझे एक विशेष पेशेंट की याद आती है। उसका नाम फ्रैंक था। वो पेट दर्द की शिकायत लेकर आया था। जाहिर है, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ किसी को भी नियमित सामान के लिए इस अस्पताल में नहीं भेजा जाता है, इसलिए हमें पता है कि ये कुछ और है। जब वो अंदर आया तो उसके हाथ में एक बिल्ली जैसी दिखने वाली आधा खाया हुआ सड़ा हुआ शव था। वो असल में अपने खाने के बीच हमसे बात कर रहा था। वो एक अजीब बातचीत थी। सर, क्या ये आपकी बिल्ली है? उसने आधी खाई हुई बिल्ली को उठाकर देखा और कहा, हे भगवान, नहीं, मैं बिल्ली नहीं खाता। ये, खैर, मैं ये नहीं बताना चाहता कि ये गंदा है। दूसरी नर्स एवा और मैंने एक दूसरे से नजर मिलाई। सर, आप एक बिल्ली खा रहे हैं, इससे ज्यादा और गंदा क्या हो सकता है? मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने ऐसा कहा, क्योंकि मुझे मेरे पिछले अस्पतालों में शिष्टाचार के अलावा बहुत कुछ सिखाया गया था। लेकिन एवा के पास एक मुद्दा था। मुझे पता है कि ये बिल्ली है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता? ये एक रेडिकल है, ठीक है? बिल्लियां, हिरण, कुत्ते, कून, मैं सड़क के किनारे जो कुछ भी देखता हूँ उसे खाने से खुद को नहीं रोक पाता। मुझे उल्टी आ रही है। वो उल्टी करने के लिए झुक गया और इसके बाद जो हुआ वो उससे भी बदतर था जो उसने मुझे बताया था। उसने उल्टी कर दी और एक गंदा स्टैंट पूरे हॉलवे में फैल गया। एवा पास के डस्टबिन के पास भागी और उसे भी उल्टी होने लगी। दो और नर्सेस दौड़ती हुई आईं। उसने मेरी ओर बिल्ली फेंक दी और हिंसक होने लगा। उसके पैर स्ट्रेचर से बांधे हुए थे, इसलिए वो उसे नहीं उठा पा रहा था। जब वो चिल्ला रहा था तो अन्य दो नर्सों ने उसके हाथ कसकर पकड़ रखे थे। मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे इंसान का मांस चाहिए, मुझे तुम्हारा मांस चाहिए। उसे सेल नंबर 4 में ले जाओ, मैं भी वहां रहूंगा डॉक्टर चैन। एक और एक नर्स आई और वे तीनों उसे ले गए। मैं एवा के पास गया और उसे सबसे दूर करने की कोशिश की। करीब 10 मिनट में वो शांत हो गई। फिर मैं सीधे डॉक्टर के पास चला गया। चैन का कमरा। वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुई कुछ फाइलें देख रही थी। मैंने उसका दरवाजा खटखटाया और उसने एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैंने उसे वो सब कुछ समझाया। उसने चुपचाप सुना और फिर उठकर फ्रैंक की कोठरी की ओर चली गई। मैंने भी उसका पीछा किया। जब हम सेल नंबर 4 के बाहर पहुंचे तो हमने देखा कि फ्रैंक गुस्से में सेल की दीवारों पर कूद रहा था और मुक्के मार रहा था। वो दीवार पर इतने जोर से मुक्का मार रहा था कि उसकी उंगलियों से खून निकल रहा था। हर बार जब वो कठोर दीवार से टकराता था तो उसकी उंगलियों की पसलियां की त्वचा पतले कागज की तरह उतरने लगती थी। इस समय हमारे पास उसकी कोठरी के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर चिन ने शांत स्वर में कहा, फ्रैंक, फ्रैंक। उसकी आवाज सुनकर वो अचानक रुक गया। इसके बाद वो सेल बार के पास गया और डॉक्टर चिन पर गंदी नजर डालते हुए हवा में सूंघने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि तुम सबसे टेस्टी होगी। सच में? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारे शरीर से सुगंध आ रही है, ये पसीने की सुगंध है। तुम बहुत टेस्टी हो, मुझ पर भरोसा करें। मुझे उसकी ये बात सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन डॉक्टर चैन आसानी से घबराने वाली नहीं थी। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, लेकिन अगर मेरा स्वाद कड़वा हो तो क्या होगा? इतना कड़वा कि एक बार काटते ही तुम मर जाओ। फ्रैंक का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे ऐसे जवाब की कभी उम्मीद नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अनजाने में झपकी और फिर वह एक डरे हुए बच्चे की तरह धीरे धीरे अपनी कोठरी में वापस चला गया। दीवार पर अपनी पीठ टिकाकर
वो फर्श पर बैठ गया, अपने घुटनों को मोड़कर और अपना आधा चेहरा उसमें छुपा लिया। बस उसकी डरी हुई निगाहें हमें देखती रहीं। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती फ्रैंक, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ सुरक्षित महसूस करो। मैं वादा करती हूँ अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। क्या तुम समझ रहे हो? हाँ, बहुत अच्छे। वो फिर मेरी ओर मुड़े और बोले, इसे आइस बाथ के लिए तैयार करो। खैर, जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई रोजमर्रा का हॉस्पिटल नहीं है, हमारे असामान्य रोगियों की तरह हमारे पास उपचार का भी एक असामान्य तरीका है। और मैं यहाँ सिर्फ एक नर्स हूँ, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं डॉक्टर की अवज्ञा कर सकूँ। चैन, मेरा मतलब है, जहाँ तक मैंने देखा है मरीज उससे डरते हैं। उसकी बैंगनी कांच जैसी आंखों के पीछे एक अज्ञात खतरा छुपा हुआ है जिसे केवल मरीज ही देख सकते हैं। शायद ये उसके इलाज का अजीब तरीका था जो यहाँ आने वाले हर मरीज के लिए उसे और भी अधिक डरावना बना देती है। अगले कुछ मिनटों में एवा और मैंने फ्रैंक को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। एक बार जब हमारा काम पूरा हो गया तो हम उसे उस गैलरी में ले गए। गैलरी एक बड़ा संगमरमर का कमरा है जिसके बीच में एक बड़ा बाथटब है। यह हमेशा आइस वाले बर्फ से भरा हुआ रहता है। हमने फ्रैंक को बांध दिया। वो विस्फतारित नेत्रों से सब कुछ देख रहा था। हमने छत से लटकते दो लोहे के हुक्कों के साथ एक स्ट्रेचर को फंसा दिया। डॉक्टर चेन कमरे में दाखिल हुई और फ्रैंक की नजर उस पर पड़ी। ये सब क्या है? होली क्रॉस में ये तुम्हारा पहला मेडिकेशन है। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? ठंडा पानी तुम्हारे दिमाग को शांत करेगा। मेरा विश्वास करो फ्रैंक, ये तुम्हारे भले के लिए है। ये कहते हुए उसने दीवार पर एक बड़ा चमकदार हैंडल खींचा और मशीन ने फ्रैंक को सीधे ठंडे पानी में गिरा दिया। जैसे ही उसका शरीर आईसीआई के भेदी पानी में गया तो उसकी चीख दब कर रह गई। हम केवल पानी की सतह पर बुलबुले बनते हुए देख सकते थे जबकि फ्रैंक पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। ये कितना मजेदार है ना फ्रैंक? शैन की रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी कमरे में गूंज उठी। मेरी नजर कोने की दीवार पर लगे कैमरे पर पड़ी। ये कैमरे हॉस्पिटल के सभी क्लासेस की छोटी एलईडी स्क्रीन से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक रोगी को इन उपचरणों को दिखाने के लिए बाध्य किया जाता है। ये सिर्फ उन्हें ये बताने का हमारा तरीका है कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं। दो तीन बार और डंक मारने के बाद फ्रैंक का शरीर निष्क्रिय होने लगा। वो कांपने लगा, उसके दांत अकड़ने लगे, जबकि झटके के कारण उसकी आंखें सिर के अंदर की ओर मुड़ गईं। डॉक्टर शन ने आखिरी बार उसे डुबोया और हैंडल खींच लिया। उसका भीगा ठंडा शरीर धीरे धीरे बाथटब से ऊपर उठा। जब हमने उसे बिस्तर पर लिटा दिया तो उसकी सांसें थम गईं। शन और मैं उसके पास इकट्ठा हुए। उसने एक आदमी का शरीर को देखा जिसे कभी फ्रैंक कहा जाता था और फिर मुझसे कहा, शायद हमने उसे कुछ ज्यादा ही खुराक दे दी। कोई बात नहीं, हम इस बात का ध्यान रखेंगे जब अगला पेशेंट आएगा। खैर, इसे इंसिनरेटर के जरिए निकाल दो। जैसे ही वो चली गई मैंने उसके क्रूर चेहरे पर एक विकृत मुस्कान को जन्म देते हुए देखा। एवा और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर वही किया जो हम हर बार किसी मरीज को खो देने पर करते हैं।